चाहते हैं परमेश्वर, तो आपका वचन समझने में और समझाने में पवित्र आत्मा मेरी और मेरे लोगों की मदद करना लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता आत्मा से, ओ पवित्र आत्मा मेरा पूरा कब्जा लो, चर्च का पूरा कब्जा लो पिता, कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, ऐसे भी हम प्रार्थना करते लॉर्ड। होली स्पिरिट पूरा कब्जा लो, आज का वचन हर एक के लिए एक आशीष का वचन है, आज का वचन परमेश्वर आप अपने बच्चों को बेचकर पिता, अपने बच्चों को लोगों के सामने बेचकर उन्हें चंगा करते हो, उन्हें हील करते हो और उन्हें बलवान करते हो, उसके लिए मैं धन्यवाद करता प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। फिर एक बार हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और वो वचन निकालेंगे, निर्गमन के पुस्तक उसका 15 अध्याय और 26, निर्गमन उसका 15 अध्याय और 26 वचन को हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृढ़ी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग में मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा जिम्मा करने वाला यहोवा हूँ। आमेन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, कुछ लास्ट संडे की कुछ बातें को मैं आपके सामने और शेयर करना चाहता हूं। वहां पर लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि मेरे वचन को तू आज पूरे दिल से सुनेगा, तन और मन से सुनेगा, उस वचन के अनुसार तू चलेगा, उस वचन के अनुसार तू आगे बढ़ेगा। इतना याद रख, जो संसार में मिस्र वो संसार को दर्शाता है, जो मिस्री के अंदर जो बीमारी आई, मिस्रियों के अंदर जो बीमारी आई, वो बीमारी मैं तुझ पर नहीं लाऊंगा, मैं संसार के अंदर जो समस्या होगी लेकिन तुझ पर कोई समस्या ना आएगी, बिकॉज क्योंकि तू मेरे वचन पर लग सकता है, तन और मन से सुनता है, उस विधियों पर चलता है, इसलिए कोई हानि तुझ पर ना आएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हम जाएंगे आई पे जाएंगे, आज हमारा जो टॉपिक है मैं पे, हालेलुया, मैं परमेश्वर कहता हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। जब मैं वर्ड को पढ़ रहा हूं, मैं शब्द कब लगता है? मैं शब्द उस वक्त लगता है जब कोई व्यक्ति कहेगा नहीं मैं इतना दूंगा, वो कब बोल सकता है? जब उसके पास होता है तब वो देता है। मैं ये करूंगा, ये कब लगेगा? मैं जब उसके काम करने की वो ताकत उसके अंदर होती है तब वो बोल सकता है। मैं उस जगह पे लगता है वो व्यक्ति, जब वो बोलेगा उसके पास हमें ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति करने के लिए कैपेबल है। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आइए हम एक वचन को और तरफ दृष्टि करेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 14 वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन 3:14 और 15 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ, फिर उसने कहा तू इज़राइल से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा तू इज़राइल से यह कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। आमेन हालेलुया। परमेश्वर ने जब मूसा से बात कर रहा था, जब झाड़ियों के बीच में से परमेश्वर ने मूसा से बात किया, तू अपने बल से इजराइल को छुड़ाने का तूने प्रयत्न किया लेकिन तू नहीं छुड़ा सका,
लेकिन मैं आज तुझे इसलिए दर्शन देता हूं क्योंकि मैंने उन लोगों की चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनकी आवाज को सुना है, और परमेश्वर कहता है अब मैं छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। इसलिए परमेश्वर वो कर सकता है, हालेलुया, क्योंकि जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो एल सादाई परमेश्वर है। जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था कि मैं तुझे वापिस मिस्र को तुझे भेजता हूं, तुझे जाना है, तुझे वहां जाना है और तेरे द्वारा मैं अपने लोगों को मैं छुड़ाऊंगा, हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा से बात कर रहा था तब मूसा ने पूछा कि वो लोग पूछे तो मैं तेरे बारे में क्या बताऊं, तेरा नाम क्या है? तब परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं, हालेलुया। पहला एक प्रश्न है जब मूसा ने परमेश्वर से बात करते हुए पूछा तेरा नाम क्या है, और यही वचन में पढ़ते हैं कि सदा तक मेरा नाम वही रहने वाला है, हालेलुया। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप अपने लाइफ के अंदर ऐसी कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में क्यों ना हो, लगता है कि मैं मरने पर हूं, लगता है कि मैं डूब जाने पर हूं, कर्जों के कारण मैं अब क्या करूं, सुसाइड करूं या घर छोड़कर चला जाऊं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन एक परमेश्वर है जो सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान है, वो कहता है मैं जीवित परमेश्वर हूं, हालेलुया। आज मैं उसमें की ओर फोकस कर रहा हूं। जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था तब परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। मैं जब परमेश्वर अब्राहम से बात किया तब वो तो मूर्ति पूजा देश में रहता था, परमेश्वर ने उसे नाम लेकर बुलाया और कहा ये जगह तू छोड़ दे और मैं तुझे जो दिखाऊंगा और जहां जहां तेरी नजर जाएगी वो सब मैं तुझे दूंगा और तू आशीष का कारण रहेगा और मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, हालेलुया। आप ओल्ड टेस्टामेंट में नए निर्णय में आप मैं को पढ़ोगे आप थक जाओगे, इतनी बार मैंने लिखा है, इतनी बार मैंने लिखा है, पुराने नियम में भी और नए नियम में हम दोनों में आएंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, जब अब्राहम से बात किया और परमेश्वर ने कहा तू ये जगह छोड़ दे और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, और हम शॉर्ट में जाते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, उस समय ब्लेस किया जब वो बूढ़ा था तब वो बाप बना, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी शुरुआत कर दी कि तेरे वंश को मैं आशीषित करूंगा, और आज हम देखते हैं हालेलुया वो वचन पूरा हो गया, हालेलुया। आकाश के तारे के संतान उसके आप संतान है, हालेलुया। रेती के बालू के समान उसके संतान है, हालेलुया। आप इसहाक के जीवन को स्टडी करो, आप याकूब के जीवन को स्टडी करो, किस तरह परमेश्वर ने उसको उठाया है। जब मूसा से बात किया ना बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो परमेश्वर हूं जो जीवित परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जिनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो मैं तुझसे बात कर रहा हूं, हालेलुया। परमेश्वर आपसे आज कुछ बात करने पर है, परमेश्वर आपके लाइफ में अपनी सामर्थ्य प्रकट करने पर है, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब परमेश्वर के वचन को आप सुनते हो, तो परमेश्वर कहता है आपसे मैं तेरा परमेश्वर हूं, हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है ना कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरा हृदय आनंद से भर गया कि किसी ने नहीं कहा लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, हालेलुया। यहां जितने भी लोग हैं सबको परमेश्वर नाम ले लेकर कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी सुन मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरे बेटे सुन मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरी बेटी तू सुन मैं तेरा परमेश्वर हूं, और वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, हालेलुया। जो चंगा करने वाला, हीलिंग देने वाला परमेश्वर, मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर, उस वचन की ओर हम दृष्टि करेंगे जो परमेश्वर हमें आके क्या सिखाता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय 10 से 12 वचन हम पढ़ेंगे, बहुत सारे मे पे वर्ड है लेकिन मैंने कुछ वचन को लिया है, यदि चाहेंगे तो खुदा की ओर से तो हम उसकी और आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये वचन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में 10 बार मूसा के सामने मे शब्दों को उल्लेख किया है, सिर्फ तीसरे अध्याय में। यदि आप गुजराती में जाओगे तो गुजराती में 11 बार आप देख पाओगे हूं
हूं शब्द लिखा है वहां पर, लेकिन हिंदी में 10 बार आप देख पाओगे। मैं 10 को भी पकड़ के चलूं, मूसा की इतनी बार कहा, मैं इज़राइल का परमेश्वर, मैं इस देश का परमेश्वर, मैं इस चर्च का परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। कंटिन्यू, निर्गमन 16:10-12। निर्गमन 16:10-12 तक, और ऐसा हुआ कि जब हारून इसराइलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल ने दिखलाई दिया, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूलि के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। ऐसी जगह में है जो जंगल में से निकले, रेगिस्तान में से इसराइलियों को चलाया, वहां पर कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से जो दूतों की रोटी थी, जो मानना था, परमेश्वर उनको डेली खिलाता था, फ्रेश खिलाता था। हालेलुया। मैं आदत से कहता हूं, जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हो, वो आपके आपके लिए सब कुछ करने के लिए पॉसिबल है। वो लाल समुद्र का भी दो भाग कर देगा आपके लिए, वो आपके लिए आकाश के छरे खो को भी खोल देगा आपके लिए। क्यों? आप उसकी रचना हो, आप उसके संतान हो, और परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया, इसलिए परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। ये इस्राएली लोग चुने हुए लोग थे, परमेश्वर ने उनको पसंद किया और परमेश्वर ने इनके लिए स्वर्ग की बारी खोल दी, उस आकाश के झरनों को खोल दिया। जो दूतों की रोटी पृथ्वी पे नहीं मिल सकती, लेकिन परमेश्वर ने दूतों की रोटी इस्राएली लोगों को खिलाया, वो जो मन्ना उनके लिए खिलाया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं इस्राएली प्रजा थोड़ी कचकच करने वाली थी, कभी कभी उनको इच्छा हो गई, आज हमको नॉनवेज खाने की इच्छा हो गई, तो बुड़बुड़ाने लगे। एक बात याद रखो, वो बुड़बुड़ाता था ना, लेकिन यहोवा कान धर कर उनकी आवाज को सुनता था। आप जब भी अपने लैब के अंदर इतने बड़े मिरेकल्स आपके लैब के अंदर किया, इतनी बड़ी चंगाई प्रभु ने आपको दी है, प्रभु ने आपका हाथ थाम कर यहां पर उठाया, फिर कुछ समस्या आप कचकच करते हो ना, वो कान लगाकर सुनता है। मालाकी में लिखा है, हालेलुया। लेकिन मैं आदाब से कहता हूं, वो ध्यान से आपकी सुनता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हमने पढ़ा, मैंने उनकी चिल्लाहट को, मैंने उनके बुड़बुड़ाने को सुना, मैंने उनके कचकच को मैंने सुना है मैंने। और क्या कहता है परमेश्वर, कल उनको मांस मैं खिलाऊंगा, क्योंकि वो जान लेंगे मैं तुम्हारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चों की क्या डिजायर है, वो जान लेता है। जब हम बोलते हैं भले हम प्रार्थना में नहीं बैठे, लेकिन ऐसे भी बड़बड़ाया बुड़बड़ाया, तो भी परमेश्वर सुन लेता है और परमेश्वर हमारे दिल की इच्छा को पूरी कर देता है, Psalm 37:4 के अनुसार। हालेलुया। मैं आदम से कहता हूं, जब ये लोगों ने कचकच शुरुआत कर दी कि हमें मांस खाना है, परमेश्वर उनका प्रबंध किया और परमेश्वर उनको पूरा भी कर, परमेश्वर ने उनके जीवन में मांस भी खिलाया। मैं आदम से कहता हूं, कौन सी जगह पर है, कोई दुकान वुकान नहीं है, कोई शॉप नहीं है, लेकिन स्वर्ग आकाश को खोल दिया, पृथ्वी पर अपने बच्चों के लिए हवा ऐसे फैला दी, और परमेश्वर ने देखा और इजराइल लोगों ने देखा कैसे कैसे बटेरे आए और उन लोगों ने उन दिन नॉनवेज खाया। परमेश्वर, मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। आकाश को भी खोलेगा, पृथ्वी के में तो भाग कर देगा, लाल समुद्र का तो भाग गया, उसके लिए आज की डेट में भी आपके लिए वो करेगा। हालेलुया। मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आप परमेश्वर क्या कहता है, 17:6-7 पढ़ेंगे। निर्गमन 17:6-7, देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिसे ये लोग पिए। तब मूसा ने इसराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इसराइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। देखो, परमेश्वर ने
किस तरह से चट्टान में से पानी पिला है। और मूसा ने लाठी मारा, चट्टान में से पानी निकल गया। आज मैं आपसे कहता हूं कि जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं वो आपके लिए, मैंने क्या बोला, आकाश पृथ्वी जो आपको चीज दिखाई देते निर्जीव चीज दिखाई देता है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करके आपके लिए नया डोर खोल देगा। हालेलुया। चट्टान वो मसीह को दर्शाता है और बाइबल क्या कहते हैं, मैं ही जीवन का जल हूं। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे देखेंगे उसको, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चट्टान में से उन लाखों की भीड़ को पिलाया पानी। तकरीबन गिनने जाए तो 30 लाख लोग होते थे, भेड़ बकरिया वो तो अलग, लेकिन 30 लाख लोगों को परमेश्वर ने पानी पिलाया। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जो परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हो ना, उसका नाम क्या है, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। और मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करें। रोटी खानी है, नॉन वेज खाना है, पानी पीना है, जिसके लिए हम जीते हैं वो सब कुछ परमेश्वर का, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर तेरी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे जो हम देखना चाहते हैं, 14 अध्याय और निर्गमन का और 13 से 18 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन 14 अध्याय 13 से 18 वचन। निर्गमन 14 अध्याय 13 से 18। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और यह दो भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आमेन। हालेलुया। अब उसमें देखेंगे तो यही अध्याय में हम नहीं पढ़ते, लेकिन लिख लेना रेफरेंस, यही अध्याय का 14 अध्याय 21 से 28 आप घर जाके पढ़ लेना, देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर, मैं आज आपसे कहता हूँ, जब आपको लगता है खाने पीने की चीज की बात आई है, तो खाने पीने की चीज में भी परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। लेकिन यहाँ पर एक शत्रु की भी बात आती है, यहाँ शत्रु आते हैं इसराइल को कवर करने के लिए, वापस बंदीवास बनाने के लिए, मिस्र को ले जाने के लिए आ रहा है, लेकिन पूरी सेना आ रही है। देखो, ध्यान से सुनना, शत्रु अपनी पूरी सेना के साथ आया है। क्यों? उसको बंदीवास बना के वापिस मिस्र की गुलामी में उनको ले जाने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने कहा, आज जिस शत्रु को आप देखते हो, आज के बाद आप उस शत्रु को नहीं देखोगे। हालेलुया। क्योंकि बात करने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा है। उसने कहा क्या करा, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम सदा यह रहेगा, आई एम दैट आई एम, ये मेरा नाम है। हालेलुया। जब परमेश्वर बात कर रहा था, जब वो कर सकता है, जब शत्रु की सेना जब आई, तो उससे पहले परमेश्वर इसराइलियों के लिए, हम स्टोरी अच्छी तरह जानते हैं कि लाल समुद्र का दो भाग कर दिया परमेश्वर ने, और उस दो भाग करके इसराइली लोगों को वचन का और समुद्र का दो भाग करके सामने के किनारे परमेश्वर को ले जाता है। उसके पीछे पीछे आप देखो कि इस मिस्र की भी सेना आती है, यही अध्याय में है, लेकिन वो आधे रास्ते में आती है। लेकिन आधे रास्ते में मूसा ने फिर लाठी को पानी पर डाला, वो पानी जैसा था वैसा हो गया। पानी दीवार के समान कभी खड़ा नहीं रह सकता। जो मैं बोलता हूं उसको जरा ध्यान से सुन लेना, बाद में उसको कवरिंग करूंगा मैं। हालेलुया। रोटी है, प्रभु ने आकाश खोल के दी, पानी को दीवार के समान खड़ा कर दिया। आप बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर हमारी समझ से बाहर काम कर सकता है। पानी कभी दीवार के समान खड़ी नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर ने भी उसको आज्ञा की, जब तक मेरे लोग ना निकल जाए, तुमको ऐसे ही खड़े रहना है।
पानी को, नहीं तो पानी को जहां जगह मिल जाए वहां उसी दिशा में पानी बह जाता है, लेकिन पानी बहा नहीं है। क्यों? ये परमेश्वर की आज्ञा थी। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब इज़राइलियों से परमेश्वर ने बात किया कि शत्रु आ रहे हैं लेकिन आज के बाद तुम नहीं देख पाओगे, जब शत्रु लोग आए आधे रास्ते में, और देखो एक वचन पढ़ता हूं फिर बाद में एक नया रिवेलेशन प्रभु ने मुझे जो दिया है मैं आपको बांटने जा रहा हूं। 14 अध्याय उसका 24 वचन। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। फिर एक बार पढ़ना। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। आगे 23 वचन। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, और जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे आओ हम इज़राइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। आमेन, हालेलुया। देखो मैं नहीं जानता कि मूसा को छोड़ के कि आग के खंभे में से बादल के खंभे में से वो चीज को वो देख रहे थे कि आग का खंभा है बादल का खंभा है, लेकिन उनमें से ही परमेश्वर को नहीं देखते थे। लेकिन ये शत्रु लोगों ने, शत्रु की सेना ने आग के खंभे और बादल के खंभे में से यहोवा ने उनको देखा। हालेलुया। अब ये एक नया रिवेलेशन है यहां पर। शत्रु ने जैसे देखा उन्होंने बोल दिया हमारे गाड़ी के पैर इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इज़राइल की फेवर में यहोवा हमारे साथ लड़ रहा है। परमेश्वर जिस तरह से इज़राइलियों के फेवर में है, वैसे परमेश्वर अपने बच्चों के लिए भी आज की तारीख में वो फेवर देता है, और उसका फेवर हम पर है ही, सिर्फ हमें विश्वास रखना है। देखो यहां पर शत्रु लोग आए और पानी में डूबकर मर गए। मूसा ने क्या बोला? शत्रु को आज के बाद तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं शत्रु सेना के साथ आया था, लेकिन आज की डेट में लूसिफर जिस शैतान है वो भी अपनी सेना के साथ आता है हमें मारने के लिए, हमें घात करने के लिए, हमारा आत्मा नाश में ले जाने के लिए वो आता है। लेकिन जब यहोवा हमारे पक्ष में है, जब यहोवा हमारी ओर लड़ता है ना, शत्रु दुम दराके के साथ वो पीछे वापिस भाग जाता है। हालेलुया। क्यों? युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, युद्ध यहोवा का है, और युद्ध जब यहोवा का है तो परमेश्वर लड़ता है, क्योंकि हमारे आगे सेनाओं का यहोवा, उसने कहा मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए शत्रु की सेना आई, वहां पर वो मर गए। आज की तारीख में शत्रु आपके पीछे आएंगे, लेकिन शत्रु आप परमेश्वर को देखकर वो भाग जाएंगे। हालेलुया। और हम आगे देखेंगे और किस शास्त्र की पुस्तक उसका 91 और उसका 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। किस शास्त्र 51 अध्याय 7 और 8 वचन, भजन संहिता 91:7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91:7-8। तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आमेन, हालेलुया। ये कोई प्रॉफेट नहीं बोल रहा, लेकिन सेनाओं का यहोवा अपने लोगों से कह रहा है, एक साइड 1,000 दूसरी साइड 10,000 है के, लेकिन कोई तुझे छू नहीं पाएगा। क्यों? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। और मेरा नाम सदा के लिए रहेगा, और वो मैं जो है ना, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको दर्शाता है, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसने कहा कि 1,000 आए चाहे 10,000 आए या पूरा वर्ल्ड तेरे विरुद्ध में आए, लेकिन कोई शत्रु तुझे छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तेरी डाल बनकर उन लोगों तेरे आगे मैं खड़ा रहूंगा।
ये प्रभु के बच्चों के साथ प्रभु का वादा है। हालेलुया। तो आप उस मैं की ओर दृष्टि करो, क्या कहता है, मैं तेरा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हम अब आगे जाएंगे, उसी का 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे, उसी का 5 और 6। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। क्या कहता है वचन, मर की आएगी, समस्या आएगी, पृथ्वी उथल पाथल हो जाएगी, लेकिन मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर मुझे बार बार ये कहता है ना, मैं तेरे साथ हूँ, तो पृथ्वी पर आने वाली हर एक समस्या, चाहे महामारी हो, चाहे खाने पीने की चीज हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ। एक बड़ी आनंद की बात है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, आप उस परमेश्वर को आप जानो, उस एल शादै परमेश्वर जिसका नाम है एल शादै, सर्वशक्तिमान उसका नाम है, जो यहोवा निस्सी है, जो आपको जय के उत्सव में ले जाता है, जो यहोवा यीरे है, वो आपकी नींव को पूरी करता है, वो यहोवा रफा है, जो आपको चंगा करता है, वो आपसे कहता है मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। मत्ती 8:28-34, मैथ्यू 8:28-34 तक, मत्ती 8:28-34, मत्ती 8:28-34। जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सुअरों में बैठ गए, और देखो सारा झुंड कड़ाके पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब पाते, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। हालेलुया। सिर्फ एक प्रेजेंस, यीशु की उपस्थिति ही शैतान जो उस व्यक्ति के अंदर जो सेना थी उसके आगे आकर वो झुक गया और बोलने लगा, समय से पहले तू हमें मारने के लिए आ गया, शिक्षा देने के लिए आ गया। मैं आपको परमेश्वर की ओर फोकस कर रहा हूं कि आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हो वो सामान्य परमेश्वर नहीं है, वो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है, जिसकी उपस्थिति से, हालेलुया, ओ जिसकी उपस्थिति, जहां यीशु की उपस्थिति थी वहां पर शैतान जिसके अंदर था, जो सेना थी, वो आजाद हो गया। जब परमेश्वर की प्रेजेंस काफी है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मैं आज आपको वो ओल्ड टेस्टामेंट में से बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन मैं आपको वहां से लेकर आता हूं, अब नए नियम में आ जाओ। नए नियम में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जो हमने निर्गमन 3:14 में पढ़ा, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। लेकिन यहां 14:6 का पढ़ेंगे, यहां 14:6 का पढ़ेंगे। मैं पुराने नियम में जो मैं था, अब नए नियम में क्या कहता है यीशु, देखो यूहन 14:6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये मैं शब्द यहाँ पर आ गया, वही परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर, जो इज़राइलियों के हक में रहकर काम करता था, वो मैं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, और उसने कहा मैं ही मार्ग हूँ। मैं शब्द पर मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों, वो है परमेश्वर, वो ही कहता है मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, और मैं ही जीवन हूँ, उसके अलावा कोई जीवन नहीं है, और मुझसे दूर होकर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये यीशु का शब्द है, ये यीशु का शब्द है। मैं शब्द पे आते हैं, 11:25-26, यूहन्ना 11:25
25-26 यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमेन, हालेलुया। देखो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और वो परमेश्वर कहता है मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। यीशु ने आगे कहा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। ये यीशु का शब्द है जो थोमा ने कहा, नए रेफरेंस निकालते हैं जो यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है। थोमा ने कहा हमें पिता को देखा, यीशु ने क्या आंसर दिया, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया, क्योंकि मैं और पिता एक ही है। जो पुराने नियम में परमेश्वर से बात करता था वो मैं शब्द एक मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, और वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया, और संसार में आकर उसने लोगों को साथ बात किया ताकि लोग अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 4:14 कोई निकालेगा, 6:35 4:14 और 6:35 परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। यहाँ पर भी मैं शब्द आ गया, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा उनमें से जीवन की नदियां बहेगी, वो कभी प्यासा नहीं होगा। मैं शब्द पे मैं भार दे रहा हूँ, यीशु पर जो विश्वास करता है उनमें से जीवन की नदियां बह निकलेगी, जो 14:14 है और 6:35 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। और वो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। मैं आज आपसे वही कहना चाहता हूँ, वो मैं परमेश्वर ने आकाश खोल कर उन्हें रोटी दी, वो मैं परमेश्वर ने जो चट्टान में से पानी पिलाया, वो मैं आज मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, और वही यीशु कहता है अब जीवन की रोटी मैं हूँ, अब जीवन का जल मैं हूँ। ये आत्मिक बातों में आ गए हम, हालेलुया। वो था शरीर के लिए था, लेकिन अब परमेश्वर हमारी आत्मा की ओर फोकस कर रहा है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, तुम्हें जीवन देने के बहुत काल का जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। हालेलुया। अब वो जीवन की ओर फोकस कर रहा है, वो आपकी ओर फोकस कर रहा है कि ताकि आपको अनंत जीवन मिले, भरपूरी का जीवन आप प्राप्त करो। यहाँ की जो रोटी थी वो खाकर उन समय के लोग मर गए, लेकिन अब जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई खाएगा वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन उनमें से जीवन की नदियां बह निकलेगी, क्योंकि मैं ही जीवन का जल हूँ, अब मैं तुम मेरे अंदर से जीवन की नदियां बहेगी। हालेलुया। देखो परमेश्वर कहां से कहां प्रभु को जोड़ रहा है। हालेलुया। प्रभु फिजिकली भी हमारी क्या करता है और हमारे आत्मा की भी क्या करता है। एक वचन हम सब आप सब जानते हैं, लेकिन वचन ऐसा है, वचन संहिता 103:3 में लिखा है, वो तेरे पापों को क्षमा करता है, अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। पहले आत्मा की परमेश्वर फोकस करता है, पापों को क्षमा करता है, फिर शरीर के बारे में वो तेरे रोगों को भी चंगा करता है। शरीर चाहे कितना भी हेल्दी हो, 100 साल 2000 एक बार तो मरने वाला ही है, लेकिन जो अनंत जीवन की बात है वो कभी मरने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु उसकी ओर फोकस कर रहा है। मैं आज आपसे ये कह रहा हूं, यहां पर लिखा है कि मैं ही जीवन का जल हूं और मैं ही जीवन की रोटी हूं, और वो परमेश्वर आज वो कहता है वो मैं हूं। हालेलुया। वो मैं हूं। हालेलुया। आइए एक वचन की और हम फोकस करेंगे, यहोशू की पुस्तक उसका 3:7 हम पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका 3:7 यहोशू 3:7 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इसराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इसराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। ओके, हालेलुया। बाजू वालों को देख कर बोलना आपको, हालेलुया।
आज से परमेश्वर मेरी और आपकी इस देश के अंदर प्रशंसा करेगा। अरे बोलिए आपकी। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर बोल रहा है कि हमें प्रशंसा हमारी हो, इसलिए हम चाहे कितना भी मेहनत करें लेकिन उसका अनुग्रह नहीं हुआ तो हमारा कोई प्रशंसा हमारी कोई नहीं करेगा। लेकिन जब परमेश्वर उठाता है ना, चाहे वो कैदी क्यों ना हो यूसुफ की तरह, चाहे डैनियल क्यों ना हो, शादक मेशक अबेदनगो बंदीवास में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने उनको वहां से भी उठाया प्रभु ने, और उनको ऑनर दिया, हुद्दा दिया अन्य जातियों के बीच में। क्यों? परमेश्वर को ऑनर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर आपसे भी कहता है मैं तेरी प्रशंसा बढ़ाऊंगा, इसे रिसीव करो, ये आपके लिए है। परमेश्वर आपको उठाएगा, लोग आपको कोई पूछता नहीं होगा, लेकिन कल आपको उठकर सलाम मारेंगे लोग। क्यों? आपने परमेश्वर को प्रायोरिटी दी है, आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा, इसलिए मत डर। परमेश्वर आपसे कहता है मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा और मेरी महिमा मैं तेरे द्वारा प्रकट करूंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर आपसे कह रहा है सक्सेस परमेश्वर आपको देने जा रहा है, तो डेली आप बोलिए परमेश्वर ने मेरी प्रशंसा को बढ़ाया। ये यहोशू के बारे में लिखा, यहोशू की जगह आप अपना नाम लिख दो। हालेलुया। देखो परमेश्वर आपको उठाने पर है और बोलने वाला और कोई नहीं, मैं सेनाओं का यहोवा बोल रहा है। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर और अब मैं तुझे लिफ्ट अप करूंगा। आगे और एक पढ़ेंगे यशायाह के पुस्तक उसका 43 का 1-3 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह 43 और 1-3 वचन। यशायाह 43:1-3। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आग न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। आमेन। हालेलुया। ये मैं शब्द क्यों कर रहा है परमेश्वर? क्योंकि वो कर सकता है, उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और वो परमेश्वर कहता है तू जहां कहीं जाएगा, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर हो, यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान में हो या चाहे और कोई कंट्री में क्यों ना, जहां कहीं तू जाएगा सेनाओं का यहोवा आपसे कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे लिए मैं डोर खोलते ही रहूंगा। हालेलुया। चाहे आग आए तो आग भी तुझे जला नहीं पाएगी, पानी में से तू चलेगा पानी तुझे डुबा नहीं सकेगी, क्यों? मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जो इज़राइलियों से कहा मैं तेरा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और वो परमेश्वर आपसे कह रहा है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर तेरे साथ साथ जाएगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपको ये शब्द आपको परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपको खड़ा करता है। आप हार मत जाओ, आप कहीं भी होगे लेकिन कोई साथ आपके साथ हो या ना हो, लेकिन एक है जो सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर वो कहता है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। ये उसका वादा है और उसका वादा है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वचन कभी ना टलेगा। ये उसका वचन है और उसने आपसे प्रॉमिस करता है। देखो और हम आगे देखेंगे और वो आपके लिए क्या करेगा। मैं शॉर्ट कर रहा हूं लेकिन अब और उसकी ओर जाएंगे। जो अय्यूब की पुस्तक उसका 5:9 वचन हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 5:9 वचन। अय्यूब 5:9। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती। वो तो ऐसे बड़े काम करता है। हालेलुया। बाजू वाले को परमेश्वर हमारे लिए बड़ा बड़ा काम करता है, बड़े काम करता है। परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करता है। कुछ लोग तो बोलते भी नहीं है, क्या बात है। हालेलुया।
एक साथ में जोर से बोले, परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। और जोर से बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। मैं उसकी हाथ की रचना हूं, मैं उसका संतान हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है आयु 5:9 में, हालेलुया, वो ऐसे बड़े बड़े काम करता है। पशु पक्षी के लिए बड़े बड़े काम करता है नहीं, वो आपके लिए बड़े बड़े काम करता है। पशु पक्षी के लिए की बात नहीं करता प्रभु, प्रभु अपने बच्चों के लिए कहता है, और वो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती, हमारी समझ से बाहर काम करता है। कभी उसके बारे में सोचो, यदि बड़े बड़े काम देखना चाहते हो आपके जीवन में, जेनेसिस को लेकर पूरा नए नियम तक पढ़ जाओ, प्रिंट के काम तक, कैसे कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। आकाश में से पानी खोल दी, पानी का भी द्वारा प्रभु ने डोर खोल लिया, जंगल में रास्ता बना दिया। क्या नहीं करता परमेश्वर? आग जला नहीं सकता आपको, पानी डुबो नहीं सकता आपको। बाइबल में यर्दन नदी को पानी, यर्दन नदी में याजक ने पांव रखा और दो भाग हो गए। इस्राएली लोग चलकर फिर यरीहो के पास पहुंचे। क्या कर सकता है प्रभु? आपके लिए सब कुछ कर सकता है। एक वर याद रखना जीवन में, यदि परमेश्वर मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे सकता है तो मेरे आगे क्या नहीं कर सकता? वो मेरे लिए इकलौते पुत्र को दे सकता है, मेरा परमेश्वर का प्रिय पुत्र दे सकता है मुझे जीवन देने के लिए, बचाने के लिए, तो मेरे लिए क्या बड़े बड़े काम नहीं करेगा? सब कुछ करने पर है। और एक वचन हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर का हृदय है, जो हम वचन की ओर जाएंगे, और रिवेलेशन उसका दूसरा अध्याय और 8 और हिब्रू 13:8, रिवेलेशन 2:8 और हिब्रू 13:8। स्मुरना के कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। ओके, मैं मर गया था लेकिन अब जीवित हूँ मैं। परमेश्वर चल पुराने नियम में पढ़ा, वो मैं बनकर बात किया, वही मैं परमेश्वर मनुष्य रूप बनकर हमारे बीच में आया और हमारे बीच में रहकर हमारे लिए अपनी जान दे दी, मर गया और तीसरे दिन जी उठा। और वो कहता है मैं मरा था लेकिन अब जीवित हूँ और सदा के लिए जीवित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु मसीह अब कहता है मत्ती 28:20 में, मैं जगत के अंत तक, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग और तुम्हारे साथ रहूंगा। ये आप परमेश्वर का वादा है ये सब, और उस बातें को आप याद करो कि मैं जो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हिब्रू 13:8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन की ओर देखो, जरा आप अपनी आंखों बंद करके आप थोड़ा विजुलाइज करो कि परमेश्वर कितनी सारी मेरे साथ बात करता है। वो मुझसे प्रॉमिस बांध रहा है। अरे इज़राइली को देखो, उनके कपड़े छोटे निकले तब तो मान लो 10 के लड़का निकला होगा, 40 साल जंगल में फैले तो 40 और 10 50, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी, एज के साथ साथ उनके कपड़े भी बढ़े, जूते भी बढ़ने लगे। क्यों? किसके लिए करता है मिरेकल्स? वो आपके लिए करता है। सिर्फ उस पर भरोसा रखो, उस मैं को जानो। मैंने आधा मैसेज कट कर दिया कि उस घड़ी आगे जा रही है। मैं आपसे कहता हूं, मैंने बोला कि पूरा वीक तक पढ़ो ना, ये मेरे पे कितनी सारी बातें हैं, उनमें से परमेश्वर बहुत सारी मुझे चीज सिखाई है दोपहर को। मैं आज आपसे कहता हूं, उस इश्यू को जानो जो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उस इश्यू को जानो वो आपके लिए क्या कर नहीं सकता। हालेलुया। हम किराए के रेंट पे रहते थे, स्कूल में चर्च चलाते थे, आज वहां से यहां तक लाएंगे, अब आगे हमें खुद में ही ले जाएंगे, हम रेंट नहीं भरने वाले। हालेलुया। अरे मरे हुए की तरह मत बोलो,
उत्साह के साथ आमेन तो बोलो, हालेलुया। यहाँ तक हमने रेंट भरा, इसका 10 साल हमने करार किया, लेकिन अब हम करा नहीं, हम खुद के जगह में जाने वाला है। हालेलुया। वो करोड़ रुपया कहां से आएगा वो नहीं जानता, मैं जो हूं सो हूं वो हमारे साथ है। हालेलुया। और ये उसका वादा है, मैं तुझे दूरी से उठाऊंगा और ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा, मैं तेरे स्थान को चौड़ा करूंगा। उसने बोल दिया, हमारा स्थान चौड़ा हो चुका है। परमेश्वर ने कह दिया, ये शहर मैंने तुमको दे दिया, तो हम विश्वास करते प्रभु ने हमें दे दिया है। परमेश्वर ने दर्शन दिया, अचार कलीसिया तुम्हारी होगी, तो परमेश्वर ने कहा वो मैं जो हूँ वो सो हूँ वो हमारे साथ है, इसलिए अचार कलीसिया हो गई है। हालेलुया। क्योंकि ये किसी और ने नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, वो उसने कहा मैं तेरे साथ रह रहकर मैं तुझे यहां से और आगे लेके जाने वाला हूं। सब जरा मैं आप उसकी और फोकस करके देख लो, मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना सामर्थ्य के काम करता है। हालेलुया। डरपोक को भी कहता है, गिदियोन से कहा शूरवीर सुरमा मैं तेरे साथ हूँ। डरपोक लोग भी ऐसा समझ ले, वो सारी बातें थी लेकिन मैंने कट कर दिया। हालेलुया। क्यों? समय को हम ध्यान में देखते हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको चलाएगा। एल शाद्दै परमेश्वर आपके साथ। आइए मैं आपसे चाहता हूँ 2 मिनट अपने सामने खड़े हो जाए और थोड़ा विजुलाइज करना, थोड़ा विजुलाइज करना। हालेलुया। थोड़ा विजुलाइज करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे बीच में है। आप अपनी आंखों को बंद करो, और यदि आप बीमार हो तो आप उस जगह पे अपना हाथ रखो। यदि पेट की तकलीफ है तो आप पेट पे हाथ रखो, यदि सर में दर्द होता है तो सर पे हाथ रखो, यदि हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप उस सीने पे अपना हाथ रखो, जहां कहीं बीमारी है उस जगह पे अपना हाथ रखो। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। यदि आप बंधुवन बंधन में हो तो परमेश्वर आपसे कहता है मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, आप तेरे साथ हूं और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी द्वारा मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। वो परमेश्वर कहता है, हालेलुया। यदि तू हारा हुआ है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं यहोवा निस्सी हूं, मैं आपसे तुझे जय के उत्सव में लेकर चलूंगा। हालेलुया। अपने हाथ उसकी और दृष्टि करो।